महाराजा की किसी ने आधी टांग पिछली काट दी, उसके बाद ही ये गौ सेवा परिवार के हॉस्पिटल में आ गया। अब ये आधी कटी कटाई टांग महाराजा को भी परेशान करती है और हमें भी। ऐसे ही हमारे समाज में एक और रीति है जो आधी अधूरी ही मनाई जाती है, जो ना केवल हमें ये पूरी जानवर जाति को परेशान करती है। बोला जाता है कि आज के दिन राम जी ने रावण का वध किया था, जिसके कारण हम कह देते हैं कि आज के दिन बुराई का वध हो गया। एक रस्म के मुताबिक आज आप सभी अपने नज़दीकी ओपन प्लेसेस पर जाओगे और वहाँ पर रावण को जलता देखकर बड़े खुश होगे। अब आपने राम जी की इस चीज़ को तो फॉलो कर लिया कि राम जी रावण का वध कर बुराइयों का नाश कर रहे हैं और हम भी इस दिन रावण को जलाकर बुराइयों का नाश करेंगे। लेकिन आप राम जी की एक चीज़ तो भूल गए। यूं तो हम कह देते हैं कि राम जी और कृष्ण जी एक थे, और अगर हम राम जी की ज़िंदगी में जाएं तो हम उनकी बात तो फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसे तो हम रावण के वध करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके आधा अवतार हम देखें तो कृष्ण भगवान भी थे, क्या हम उनकी बातें फॉलो कर रहे हैं? कृष्णा जी की बात हम करें तो वो जैसे कि गौ पालक थे। आज तो आप देखेंगे कि लोग दूध के लिए गाय पालते हैं और बाद में उसको सड़क पर मरने के लिए धकेल देते हैं। दूसरी तरफ अगर वो थोड़ी बहुत उसमें जान बच भी जाती है तो उसको बचाने की बजाय हम लोग वीडियो बनाने पर उतर आते हैं और सोशल मीडिया पर उस चीज़ पर खूब लाइक बटोरते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप किसी कागज के बने हुए रावण को जलाने की बजाय अपने मन का रावण चलाएं, इससे राम भगवान हो सकता है खुश हो भी जाएं। ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। अब आप बोलेंगे कि ऐसी तो हजारों वीडियो हम नेट पर देख लेते हैं कि भाई अपने अंदर का रावण जलाओ, लेकिन हमसे जितना जलता है हमने उतना जला दिया। और ये सब आप मनी मन में बोल रहे होगा कि क्या बकवास बात कर रहा है। लेकिन मेरे पास एक दूसरा पॉइंट भी है। रावण दहन को आप त्यौहार के रूप में मना रहे हो, लेकिन अगर मैं मूव करूं दूसरे त्यौहारों पर, रखड़ी हुई, करवा चौथ हो गया और कई त्यौहार, क्या आप उनको भी ऐसे ही लोक दिखावे के लिए मना रहे हो?